नमस्कार फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू जॉब के बारे में जानकारी देंगे, जो कि फ्रेंड यहां पर रिक्वायरमेंट VBMMC न्यू दिल्ली की तरफ से रिक्वायरमेंट जारी किया गया। पोस्ट की बात कीजिएगा तो नर्स पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट आ गया है। डिटेल्स जानकारी लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा, एज क्या रखा गया है, सैलरी क्या मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, साथ ही फ्रेंड यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, फुल डिटेल्स जानकारी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। फ्रेंड आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। अगर आपको भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ पर बहुत सारे अभी रिक्वायरमेंट आया है जिनका लिंक डाल चुके हैं। तो सारे वीडियो को देखिए और जिन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल होते हैं उस पोस्टों के लिए आप नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड आज नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज अस्पताल न्यू दिल्ली की तरफ से जारी किया गया, जो कि एक वैकेंसी नोटिस है। फ्रेंड वैकेंसी नोटिस बता दूं, स्टाफ नर्स पोस्टों के लिए आवेदन यहां पर कर सकते हैं। टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आया है। सैलरी की बात करिएगा तो 31,500 रुपया पर मंथ यहां पर सैलरी देंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन करेंगे तो GNM या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात करिएगा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का, यानी कि एटलीस्ट 2 ईयर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप GNM पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखा गया है। फ्रेंड इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए सबसे ईजी तरीका है आप अपने मोबाइल से एक रिज्यूम और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी कि 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, GNM का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट अपना अटेस्टेड करके, यानी कि उस पर सिग्नेचर करके और सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग को ईमेल कर देना है। ईमेल करने के लिए ये मेल आईडी नोट कर लीजिए, cmbbmcsjh@gmail.com। इसको 28 जनवरी 2022 से पहले आपको मेल कर देना है, यानी कि आपके पास 2-3 दिन टाइम है, 26, 27 और 28, इन 3 दिन में आप लोग को इसको ईमेल के माध्यम से मेल कर दीजिए अगर आपको ये एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो। अब बात करते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या होगा कि एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन एंड लिस्टेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे उन्हीं फॉर्म में से यहाँ पर कुछ कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, बाकी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर हटा दिए जाएंगे। अब जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन सारे कैंडिडेटों का नाम आपको वेबसाइट पर आपको डाल दिया जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से अपना देख सकते हैं कि किन किन कैंडिडेटों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वीडियो कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन इंटरव्यू लिए जाएंगे। यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। तो आप लोग ऑनलाइन इंटरव्यू घर बैठे वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, अच्छी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस भी है, घर बैठे सारे काम हो रहा है। अगर आपको भी ये जॉब प्राप्त करना है तो बिल्कुल उससे फॉर्म आवेदन कीजिए। साथ ही फ्रेंड बता दूं कि ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। यहाँ क्लियर देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन, द एवर पोजिशन आर ऑन टेम्प्रोरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप लोग के रिक्वायरमेंट लिए जाएंगे। फ्रेंड बता दूं किसी तरह से रिक्वायरमेंट कोई आता है नर्स से संबंधित तो हम डालते रहते हैं न्यूज अपने चैनल पर। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए हमेशा न्यू वैकेंसीज आएगा तो नोटिफिकेशन आते लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए मेडिकल जॉब्स चैनल। थैंक यू।